किंगडम प्लांट ही हम पढ़े थे, और किंगडम प्लांट में हमने प्लांट्स की दो डिवीजन्स बनाई थी, ब्रायोफाइटा एंड ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा में नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, जबकि ट्रैकियोफाइटा जो हैं वो वेस्कुलर प्लांट्स हैं। ट्रैकियोफाइटा एंड सिलोप्सिडा को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज का जो लेक्चर है, आज हम स्टार्ट करेंगे लाइकोप्सिडा से, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को लाइकोप्सिडा से। लाइकोप्सिडा की प्लांट बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं इंटू टू पार्ट्स। एक को हम कहते हैं स्पोरोफाइट और दूसरे को हम कहते हैं गेमिटोफाइट। यानी कि हमारे पास प्लांट बॉडी है, और प्लांट बॉडी का जो एक पार्ट है हमारे पास स्पोरोफाइट, उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। स्पोरोफाइट को जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि लाइकोप्सिडा में स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट हुआ होता है इंटू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके अंदर रूट्स भी हैं, स्टेम्स भी हैं और लीव्स भी हैं। ठीक है, और इन रूट्स, स्टेम्स और लीव्स को हम कहते हैं ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स एंड ट्रू लीव्स, बिकॉज ये डेफिनेट स्ट्रक्चर्स होते हैं इसकी बॉडी में। अब वन बाय वन हम इन चीज़ों को देखते जाते हैं। सबसे पहले हम लीव्स को देख लेते हैं। लीव जो इसके अंदर प्रेजेंट है, लीव्स जो हैं वो स्मॉल होते हैं, यानी कि साइज़ में नस्बतन छोटे लीव्स होते हैं इसमें, और सिंगल वेंड होते हैं। सिंगल वेंड का मतलब है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह का लीव है तो इसके अंदर एक ही वेन होगी। ठीक है, सिंगल वेंड को हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम कहते हैं माइक्रोफिल्स। ठीक है, अच्छा, और इन लीव्स की जो अरेंजमेंट है वो दो तरह की हो सकती है, स्पाइरल भी हो सकती है या फिर ऑपोजिट भी होगी। ठीक है, ऑपोजिट या स्पाइरल, जिस तरह से हम गंदम के पौधों को देखते हैं ना, कि गंदम का एक हमारे पास एक सिट्टा होता है इस तरह से, यूं 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 ग्रो हुए हुए होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी इसी तरह होता है कि स्पाइरल या फिर ऑपोजिट साइड्स पे लीव्स ग्रो हुए हुए होंगे। और इन लीव्स के टॉप पे, यानी कि लीव्स का जो कॉर्नर होगा, टॉप कॉर्नर, इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे स्पोरोफिल्स, और स्पोरोफिल्स के ऊपर होंगे स्पोरेंजिया, जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। तो ये अरेंजमेंट जिसमें हमारे पास दो चीज़ें, एक है स्पोरोफिल्स और स्पोरोफिल्स के ऊपर हैं स्पोरेंजिया। तो ये ओवरऑल जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा, इसे हम कहते हैं स्ट्रोबिलाई। इस इमेज में अगर आप देखें तो आपको स्ट्रोबिलाई को दिखाया गया है। यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला, ये क्या है? ये है हमारे पास स्पोरोफिल, और स्पोरोफिल के ऊपर है स्पोरेंजिया, जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जूम करके दिखाया गया है कि ये हमारे पास है स्पोरेंजिया एंड स्पोरोफिल। अच्छा, अब ये जो प्लांट्स हैं लाइकोप्सिडा, इनमें एक तरह के स्पोरेंजिया भी पाए जा सकते हैं, यानी कि वन काइंड ऑफ स्पोरेंजिया, और इनके अंदर टू काइंड ऑफ स्पोरेंजिया भी पाए जा सकते हैं, यानी कि वन काइंड ऑफ स्पोरेंजिया और टू काइंड ऑफ स्पोरेंजिया। अब वन काइंड ऑफ स्पोरेंजिया तो हमें पता है कि एक ही टाइप होगी, लेकिन टू काइंड ऑफ स्पोरेंजिया का क्या मतलब है कि इसके अंदर दो तरह के स्पोर्स बन रहे होंगे। और ये जो दो काइंड्स हैं ये क्या हैं? एक कहलाती है माइक्रोस्पोरेंजिया और एक कहलाती है मेगास्पोरेंजिया। इसको हम मेंशन भी कर लेते हैं, एक है हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया और एक है मेगास्पोरेंजिया। ये जो हमने वन काइंड ऑफ स्पोरेंजिया की बात की है, इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल में आता है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम। जबकि टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोरेंजिया जब एक ही प्लांट के अंदर हो, तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास सेलेग्नेला। अच्छा, तो ये हमने देख लिया इसके सेक्स ऑर्गन्स। अब अगर हम स्पोर फॉर्मेशन की बात करें, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, मेगास्पोरेंजिया है, या इनफैक्ट स्पोरेंजिया है, इसके ऊपर क्या होता है हम जानते हैं, इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। तो अगर हम स्पोर फॉर्मेशन को देख लें कि वो किस तरह से है, इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन,
अच्छा, जब हमारे पास वन काइंड ऑफ स्पोरेंजिया, जैसे कि लाइकोपोडियम की एग्जांपल है, लाइकोपोडियम में क्या होता है कि एक ही तरह के स्पोर्स बन रहे होते हैं, और यही वजह है कि इसको हम कहते हैं इट इज़ होमोस्पोरस। होमोस्पोरस यानी कि वन टाइप या सिंगल तरह के, वन टाइप के स्पोर्स बनेंगे इसके अंदर, और इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोस्पोरी। होमोस्पोरी कंडीशन, और वो केस जिसमें हमारे पास दो डिफरेंट तरह के स्पोरेंजिया हो और उसके अंदर डिफरेंट तरह के स्पोर्स बन रहे हों, इसको हम कहते हैं हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस, और इस कंडीशन को क्या कहेंगे? हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी कंडीशन। और ये हमने कहा है ये सेलेग्नेला के अंदर पाई जाती है, और ये जो सेलेग्नेला है ये काफ़ी रिजेंबल करता है स्पर्मेटोफाइट से। और स्पर्मेटोफाइट क्या है? स्पर्मेटोफाइट ये वो पौधे हैं जिनके अंदर, मेटोफाइट ये वो पौधे हैं जिनके अंदर सीड्स होते हैं। तो एक तो ये अपनी हेट्रोस्पोरस नेचर की वजह से, और दूसरा कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो इससे रिजेंबल करते हैं स्पर्मेटोफाइट से। अच्छा, तो ये हमने देख लिया स्पोरोफाइट को। अब अगर हम इसके अंदर गेमेटोफाइट को देखें, तो गेमेटोफाइट जो है वो बहुत ही छोटा होता है साइज में, और वो अंडरग्राउंड पाया जाता है। इसे भी हम मेंशन कर देते हैं कि इट हैज अंडरग्राउंड गेमेटोफाइट। इसके अगर हम एग्जांपल देखें, तो एग्जांपल में हमने दो प्लांट्स की बात की, एक हमने कहा लाइकोपोडियम और एक हमने कहा स्लेग्नेला। इस प्लांट को अगर आप देखें तो ये है हमारे पास एग्जांपल लाइकोपोडियम की, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ऑपोजिट लीव्स पाए जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल गंदम के दानों की तरह। और ये एग्जांपल है स्नेगलेना की। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमने बात की थी कि सिंगल विंग यानी कि माइक्रोफिल्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे लीव्स हैं और इनके अंदर सिंगल वेन यानी कि एक वेन प्रेजेंट है। और स्लेग्नेला की एक खास बात जो हमने पढ़ी है वो ये है कि इसके अंदर दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, मीन्स इट इज़ हेट्रोस्पोरस। तो ये हमने पढ़ लिया लाइकोप्सिडा को। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट सब डिवीजन के ऊपर, जो कि है स्फेनोप्सिडा। स्फेनोप्सिडा की अगर हम प्लांट बॉडी देखें तो इसको भी हम डिवाइड करते हैं इनटू स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट। सबसे पहले हम स्पोरोफाइट को देख लेते हैं। स्पोरोफाइट जो है वो डिफरेंशिएट हुआ होता है इनटू रूट स्टेम्स एंड लीव्स। रूट स्टेम एंड लीव्स, ठीक है, और ये ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स हैं। सबसे पहले लीव्स को देख लेते हैं। इसके जो लीव्स हैं वो या तो एक्सपेंडेड होंगे या स्केल लाइक होंगे, यानी कि फैले हुए होंगे या फिर कांटेदार होंगे, और ये हमेशा गुच्छों के फॉर्म में पाए जाएंगे। जो भी पौधे स्फेनोप्सिडा से ताल्लुक रखते हैं इनको हम एंथ्रोफाइट्स भी कहते हैं। एंथ्रोफाइट्स, और एंथ्रोफाइट्स क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं बिकॉज इनकी बॉडी में ढेर सारे जॉइंट्स होते हैं, यानी कि ढेर सारे जोड़ होते हैं। तो ये हमने लीव्स को देख लिया, प्लांट को, इसकी बॉडी को देख लिया। अगर हम इसके स्टेम को देखें, इसके अंदर जो स्टेम है वो सिंपल स्टेम नहीं होता। सिंपल इन द सेंस के वो स्मूथ नहीं होता, ठीक है, इट इज़ नॉट स्मूथ। और स्मूथ क्यों नहीं है? बिकॉज इसके ऊपर रिजेस एंड फरोज बने होते हैं, ठीक है। रिजेस एंड फरोज का मतलब है कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। रिजेस मीन्स ये टॉप्स एंड फरोज, ठीक है। तो जो स्टेम है वो रिजेस और फरोज की तरह होती है, और स्टेम के ऊपर कुछ नोड्स बनी हुई होती हैं, और हर नोड की अपनी ब्रांचेस होती हैं। यही वजह है कि इसके ऊपर डिफरेंट हमें जो लीव्स के गुच्छे नज़र आते हैं, और ये जो ब्रांचेस हैं उनकी टिप्स के ऊपर हमें स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियोफोर्स नज़र आते हैं। स्पोरेंजिया एंड स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर स्पोरेंजिया होंगे। स्पोरेंजियो
फॉर, और ये दोनों मिला के बनाते हैं स्ट्रॉबिलाई। अब ये स्पोरेंजियो स्पोरेंजियो फोर जो है, इसका स्ट्रक्चर किस किस्म का होगा? इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक स्टॉक होता है, ठीक है, और इसके आगे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर इस तरह से करके हमारे पास स्पोरेंजिया बने होते हैं। ये एग्जैक्टली इस तरह का नहीं होता, बट आपको समझाने के लिए कि हमारे पास एक स्टॉक है, स्टॉक के आगे हमारे पास एक डिस्क है, और डिस्क के ऊपर हमारे पास स्पोरेंजिया है, और इन स्पोरेंजिया के अंदर इस तरह से रेड कलर्स में आपको स्पोर्स दिखा रही हूँ, इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। अगर हम इसको लेबल कर लें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये है हमारे पास स्पोरेंजिया, रेड कलर से आपको स्पोर्स दिखाए गए हैं। ये है हमारे पास स्टॉक, और ये है हमारे पास डिस्क। ये हमने देख लिया स्पोरोफाइट को। इसके बाद जब हम गेमेटोफाइट के ऊपर आते हैं प्लांट बॉडी में, तो गेमेटोफाइट, जैसे कि हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस प्लांट्स में भी देख रहे हैं कि गेमेटोफाइट जो है वो बहुत ही छोटा होता है साइज़ में और अंडरग्राउंड होता है, तो इस केस में भी ऐसा ही है कि इसका जो गेमेटोफाइट है वो थैलेट पर मुश्तमिल होता है, अंडरग्राउंड होता है। और ये कहाँ ग्रो करता है? ये गीली जगहों पर, यानी कि गीली मिट्टी हो या फिर कीचड़ हो, मड वगैरह, वहाँ पे ये प्लांट ग्रो करता है। इसके अगर हम एग्जांपल देख लें, एग्जांपल तो एग्जांपल हमारे पास जो प्लांट है वो है एक्वेसेटम। इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको इमेज दिखाया गया है ये क्या है? ये है हमारे पास एक्वेसेटम। और जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि इसके अंदर डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि हर थोड़े फासले पे आपको एक जॉइंट दिखाई दे रहा है। और स्ट्रॉबलाई की जो हमने बात की है वो भी आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से डिफरेंट जॉइंट्स हैं हमारे पास, और उन जॉइंट्स के, यानी कि डिफरेंट ब्रांचेस थी, उनके एंड पे हमें स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजिया दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन जो स्ट्रॉबिलस है, बेसिकली ये क्या है, इसके अंदर स्पोरेंजिया एंड स्पोरेंजियोफोर दोनों हैं, ठीक है, और इसके एंड पे यहाँ पे स्पोर्स बनेंगे। इस प्लांट को हम हॉर्स टेल भी कहते हैं, हॉर्स टेल। तो ये हमने पढ़ लिया स्फेनोप्सिडा को। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट सब डिविजन पे, जो कि है टेरोप्सिडा। सब डिविजन टेरोप्सिडा जो है ये एक वाइड ग्रुप है, और इसको हम डिवाइड करते हैं इंटू थ्री क्लासेस। और वो क्या क्लासेस हैं? एक कहलाती है फेलेसिने, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। इसको हम मेंशन भी कर देते हैं। हमने कहा कि हमारे पास टेरोप्सिडा की थ्री क्लासेस हैं। पहली है हमारे पास फिलेसिने, दूसरी है जिम्नोस्पर्मी, और थर्ड क्लास है हमारे पास एंजियोस्पर्मी। अब ये तीनों एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है? जो बेसिक डिफरेंस है इन तीनों के अंदर वो है सीड का, ठीक है, सीड यानी कि बीज। जो फेलेसिनी क्लास है हमारे पास, इनके अंदर हम कहते हैं कि सीड प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि इट इज सीडलेस प्लांट। जिम्नोस्पर्म में ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर सीड दिखाई देता है, यानी कि दे हैव नेकेड सीड्स, और वी कैन से इट इज अ नेकेड सीडेड प्लांट, ठीक है। और एंजियोस्पर्मी क्या है? एंजियोस्पर्मी नाम से ही हमें यह पता चल रहा है कि इट हैज एनक्लोज्ड सीड। एनक्लोज्ड सीड का क्या मतलब है? कि इनका जो बीज है वो किसी फल के अंदर या किसी आउटर कवरिंग के अंदर होगा, यानी कि बीज नजर नहीं आ सकता। इनके अगर हम एग्जाम्पल देखें, फिलिसने के एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है एडियंटम, और जिम्नोस्पर्म में, क्योंकि इनके नेकेड सीडेड प्लांट है ये, तो इसके एग्जांपल में पाइनस, पाइन ट्री जो है वो इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। जबकि एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में हमने कहा है एनक्लोज सीड, तो तमाम फ्रूट्स
और ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर्स होते हैं, तो वो सब कहाँ आते हैं, वो एंजियोस्पर्मी के अंदर आते हैं। और इसकी फिर मज़ीद हमारे पास डिफरेंट फैमिलीज़ होती हैं। लेट सपोज़ हमारे पास है रोज़ फैमिली, ठीक है, गुलाब का पौधा जिस तरह से होता है, और रोज़ फैमिली में हमारे पास एप्पल भी आ जाता है, स्ट्रॉबेरी भी आ जाती है, ठीक है। यही हम इसकी एग्जांपल पे भी मेंशन कर देते हैं, रोज़ फैमिली, ठीक है। रोज़ फैमिली में पियर है, रोज़ है, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो ये है हमारे पास एंजियोस्पर्मी। वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को और एक दफ़ा समराइज़ कर लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। आज बेसिकली हमने बात की है ट्रैकियोफाइटा के डिफरेंट सब डिविजन्स की। सिलोप्सिडा को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हमने पढ़ा है लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। वन बाय वन हम इनको देखते जाते हैं। लाइकोप्सिडा की हमने प्लांट बॉडी की बात की कि इसमें रूट, स्टेम्स और लीव्स प्रेजेंट हैं, लेकिन इनके लीव्स जो हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं और इनके अंदर स्पोरोफिल और स्पोरेंजिया जो है वो स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉबिलाई। इसके बाद हमने इनकी बात की कि इनके अंदर जो गेमेटोफाइट है वो अंडरग्राउंड होता है और इनके अंदर ये काबिलियत भी होती है कि ये दो तरह के स्पोर्स बनाएं, यानी कि हेट्रोस्पोरस भी होते हैं, जबकि कुछ प्लांट्स इन्हीं के अंदर होमोस्पोरस भी होते हैं। तो ये था लाइकोप्सिडा। इसके बाद हम आ गए स्फेनोप्सिडा के ऊपर। स्फेनोप्सिडा की जब हमने प्लांट बॉडी की बात की तो हमने कहा कि इसके प्लांट में रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट होते हैं। इसके लीव्स जो हैं वो एक्सपेंडेड होते हैं या स्केल लाइक होते हैं। इसके ढेर सारे जॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम इनको एंथ्रोफाइटा भी कहते हैं। इसके अंदर भी स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियोफाइट जो है वो स्पोरेंजियोफोर्स मिला के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं स्ट्रॉबिलाई, और इसका जो गेमेटोफाइट है वो अंडरग्राउंड होता है और अंडरग्राउंड होने के साथ साथ वो थैलॉइड पर मुश्तमिल होता है। इसके एग्जांपल में हमने एक्वस एटम को देखा। इसके बाद हमने टेरोप्सिडा को देख लिया। टेरोप्सिडा को हमने कहा कि ये एक वाइड ग्रुप है जिसको हम थ्री डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, क्लास फिलिसिने, क्लास जिम्नोस्पर्म एंड क्लास एंजियोस्पर्म। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और ये जो हमने टेरोप्सिडा की थ्री क्लासेस पढ़ी हैं इनको वन बाय वन डिटेल में देखते जाएंगे।